नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपलएससी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हवलदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की है? तो आपको ध्यान रखना है अमुक्त माल्यद, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा में की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, सूची फर्स्ट राजवंश एवं सूची सेकंड राजधानी को कोट के आधार पर मिलाइए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, एक तरफ सूची सेकंड दी गई है, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है प्रतिहार, प्रतिहार का जो मिलान हो जाएगा कन्नौज से हो जाएगा। सेकंड में है चोल, चोल का जो मिलान हो जाएगा तंजौर से हो जाएगा, परमार का धारा से हो जाएगा और सोलंकी का अहिन्न लवाड़ से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एका डी हो जाएगा, टू का ए, थ्री का सी और फोर का बी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेख हैं? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं दोस्तों फटाफट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया, तो इनमें से आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर सेवन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, इनमें से आपको चयन करना है सही विकल्प का। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल थर्ड। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। अगला क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी। आप लोग ध्यान रखिएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में नए कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को विधानमंडलों तक ले जाया जाएगा और सरकार का निरंतर विरोध किया जाएगा जब तक कि 1919 का अधिनियम अप्रासंगिक ना हो जाए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, कहाँ पर? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। विनायक दामोदर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक नई संस्था बनी थी दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस संस्था का महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान था और अभिनव भारत संस्था को माइजिनी के तरुण इटली के नमूने पर गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 10 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने, शिशिर कुमार बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापक्रम 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोली ने, ध्यान रखिएगा।
जूली ने रेडियो एक्टिवता सिद्धांत और होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत और डेली ने खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत और कोवर ने भूसन्नत सिद्धांत दिया है। तो आप लोग इन सभी को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 13। निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल सेकंड लौह। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बिहार, बिहार और झारखंड में लौह, कोयला और मैग्नीज के पर्याप्त भंडार थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 14 की बात करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में नगर दिए गए हैं, सूची सेकंड में नदी दी गई है और यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए दोस्तों। इसका मिलान क्या बनेगा? गोरखपुर ऑप्शन फर्स्ट है, तो फर्स्ट गोरखपुर का मिलान। गोरखपुर राप्ती नदी पर है, फोर से मिलान हो जाएगा। और फैजाबाद सरयू नदी पर है, और कानपुर गंगा नदी पर है, और आगरा यमुना नदी पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 15। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संगठन एक तरफ है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिए गए हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही है, सुमेलित है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल सेकंड, यहाँ पर सही जवाब बनेगा एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय सिंगापुर में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, यहाँ पर बैंकॉक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यहाँ पर सही मिलान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजन कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा शौच स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, इनमें से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे MSP बोलते हैं, MSP। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से सरकार किसानों को एक निश्चित मूल्य पर अपने द्वारा फसल क्रय करने की गारंटी देता है, और इस मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ के मौसम में कुल 24 फसलों के लिए किया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त सेन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सक्षमता उपागम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजन, अनुच्छेद 280 यह उपबद्धित करता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग गठित करेगा। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। संसद विधि द्वारा आयोग के सदस्यों के लिए अपेक्षित अर्हताओं को विहित करेगी। आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और ऐसे आगमों में राज्यों के भागों के आवंटन में सहायता करेगा। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसदीय कानूनों द्वारा। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में संसदीय कानूनों द्वारा विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, और इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणिक
व्यवहार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत का उप राष्ट्रपति। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निदेशक तत्व तो नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा युवकों को रोजगार देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 360 जो कि विकल्प बी में दिया गया है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है, और 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एथलीट फुट बीमारी होती है तो किसके कारण होती है? जीवाणु से, फफूंद से, प्रोटोजुआ से, सूत्रकृमि से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा फफूंद से, एथलीट फुट कवक से होने वाली बीमारी है। कवक को फफूंद भी कहा जाता है दोस्तों। यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है और यह त्वचा का संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल है, थायराइड है, अग्नाशय है, पिट्यूटरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्रंथि कपाल की स्फेनॉइड अस्थि के सेलाट शिका नामक गर्त में स्थित होती है और यह एक छोटी ग्रंथि है। यह दो पिंडों से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा TNG, ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन, एक रंगहीन तैली कार्बनिक पदार्थ है जो डायनामाइट बनाने के काम में आता है। इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। इस विस्फोट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1846 ईस्वी में की थी। ट्राइनाइट्रो टालविन TNT भी एक विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, परावैगनी किरण के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर इसका बनेगा क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है। यह एक अत्यंत क्रियाशील गैस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 310 होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है और फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो आपको बताना है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। मधुशाला सन 1935 ईस्वी में, आप लोग ध्यान रखिएगा 1935 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। हरिवंश राय बच्चन को इलाहाबाद का प्रवर्तक तथा इनकी तीन रचनाओं मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में और मधुकलश 1937 को इलाहाबाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें तो दीपशिखा है, निहार है, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत है। ऑप्शन डी में सुमित्रा नंदन पंत है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं ग्रंथी है, गुंजन है, युगांत है, लोकायतन है, चितंबरा है। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैथिली शरण की रचनाओं की बात करें तो साकेत है, जयद्रथ है, वध है, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एरा गैरा नथु खैरा मतलब बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका मतलब
क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मामूली आदमी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या बनेगा? प्रति प्लस आघात बराबर होता है प्रत्याघात, और इसमें यण स्वर संधि है दोस्तों, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियाँ सुधारें। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनमें से कौन सा है? बहुज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, अत्यज्ञ कहेंगे या आज्ञ कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या बनेगा? सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है दोस्तों, और बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ होता है, और कुछ जानने वाला आज्ञ होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 की बात करेंगे, आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल से है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 52, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है, और दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान तथा कालजयी हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी से और 1932 ईस्वी और 1936 ईस्वी में दिलाया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 52 का सी हो जाएगा, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बनाया गया है दोस्तों। अब हीराकुंड बांध की बात करें, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा महानदी पर स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। अब कलनई बांध भारत का सर्वाधिक प्राचीन बांध है, जो कि तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलज नदी पर स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर अगला है 54, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आबादी का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जिनेवा में है, पेरिस में है, वियना में है, बर्लिन में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1957 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मकाऊ यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। पनामा की बात करें तो पनामा की मुद्रा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर है। लाओस की मुद्रा की बात करें दोस्तों तो लाओ किप है, और मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष का होता है। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल के 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है दोस्तों, और यह इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस इमारत को